नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम बात करने वाले हैं, ये जो राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है, इनके द्वारा जो हाल ही में असिस्टेंट डायरेक्टर और ये जो है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, इनके लिए जो एग्ज़ाम लिया गया था, तो इनकी आंसर की मॉडल आंसर की आ चुकी है। और अगर आप अपनी आंसर की को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। इस समय हम ये जो RPSC जो है इनकी मेन जो वेबसाइट है, हम इस पर हैं, और इस वेबसाइट का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। और जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो आपको यहाँ पर न्यूज़ सेक्शन दिखाई देगा, जिसमें आपके ये सभी नोटिस जारी हुए हैं, तो यहाँ पर आप इसमें अब देख सकते हैं। पहला जो नोटिस है ये प्रेस नोट रिगार्डिंग ऑनलाइन ऑब्जेक्शन फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर एंड सेकेंडरी साइंटिफिक ऑफिसर 2021, तो ये ऑब्जेक्शन को लेकर है। उसके बाद है आपकी मॉडल आंसर की फॉर सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, और उसके बाद नेक्स्ट जो है ये भी आपकी सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर में है, ये DNA में है, ये पॉलीग्राफ में थी, ये DNA में है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, ये साइबर फोरेंसिक डिवीजन में है। नेक्स्ट जो आंसर की है आपकी, ये असिस्टेंट डायरेक्टर DNA में है, और उससे अगले जो आंसर की है ये आपकी साइबर फोरेंसिक डिवीजन में है। नेक्स्ट जो यहाँ पर आंसर की आई है ये आपकी पॉलीग्राफ डिवीजन में है। और तो ये जो आपकी आंसर की आई है, तो इनको आप देख लेते हैं। पहले आपके लिए जो नोटिस आया है वो हम देख लेते हैं, और ये जो है यहाँ पर आपका नोटिस है, तो ये नोटिस आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये डेट जो है यहाँ पर दी गई है, हाल ही में कुछ समय पहले जारी हुआ है कि आयोग के द्वारा 10/6/22 को आयोजित असिस्टेंट डायरेक्टर होम ग्रुप 1 डिपार्टमेंट, इतना या अलग अलग डिवीज़न थे यहाँ पर, और डेट 11/6/22 से लेकर 12/6/22 तक आयोजित सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर होम ग्रुप 1, इतना निम्नलिखित विषय जो ये विषय थे, इनकी मॉडल उत्तरकुंजी आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। यदि किसी भी अभ्यर्थी को इन मॉडल उत्तरकुंजी पर कोई आपत्ति है तो निर्धारित शुल्क के साथ डेट आपकी 14/9/2022 से 16/9/2022 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति जो है वो ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति आयोग की वेबसाइट पर जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसके अनुसार ही दर्ज होंगी। तो इन आंसर की के बाद जो है हम वो आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी देखेंगे कि कहाँ से आप उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो पहले आपकी आंसर की को हम देखेंगे, तो परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, और आपत्ति आपके प्रमाणिक स्टैंडर्ड जो पुस्तक है उनके प्रमाण के अनुसार ही आप ये प्रविष्ट करें। और शुल्क जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, शुल्क इसका आपत्ति दर्ज कराने का रखा गया है 100 रुपये, तो 100 रुपये शुल्क है यहाँ पर। और ये आपके पोर्टल है, यहाँ से आप इस आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं। और प्रति पर्सन जो है यहाँ पर ये देख सकते हैं, प्रति पर्सन है 100 रुपये, एक क्वेश्चन के 100 रुपये जो है यहाँ पर रहेंगे। इसके हिसाब से आप जितनी मर्जी यहाँ पर आपत्ति आए दर्ज करा सकते हैं जो आपको लगती है। तो ये डेट है यहाँ पर, और उसके बाद कुछ ये मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पर दिखाए गए हैं। अगर किसी कैंडिडेट को यहाँ पर ऑनलाइन आपत्ति में दर्ज करने में या कोई दिक्कत आती है तो इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये ईमेल एड्रेस है हेल्प डेस्क, और ये यहाँ पर फ़ोन नंबर है, तो इन पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आती है आपत्ति दर्ज करने में। तो ये आपका यहाँ पर नोटिस था। अब जो यहाँ पर आंसर की जो आई है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर पॉलीग्राफ, तो वो हम देख लेते हैं, और ये आपकी आंसर की है। तो ये आपके एग्ज़ाम डेट है 12/6/22, और मॉडल आंसर की ये आज की डेट है, तो यहाँ से आप अपनी आंसर की का मिलान आप कर सकते हैं। और जहाँ पर भी ये स्टार लगा हुआ होगा इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन डिलीट है और इसके नंबर सभी को मिलेंगे। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर DNA डिवीज़न वाली है वो भी देख लेते हैं।
और ये आपकी दूसरी आंसर की है, ये आपके ड्यूने डिवीजन वाली है। तो यहाँ पर भी सेम वही बात कही गई है, किसी के पीछे स्टार लगा हुआ है तो उसका मतलब है कि क्वेश्चन डिलीट है और उसके नंबर सभी को मिलेंगे। और नेक्स्ट जो यहाँ पर आएगा आपका, ये है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर साइबर फोरेंसिक डिवीजन वाली, तो इसको भी देख लेते हैं। और ये आपकी जो आंसर किया वो आ चुकी है, ये देख सकते हैं साइबर फोरेंसिक डिवीजन में। और यहाँ पर भी वही सेम बात कही गई है, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद जो यहाँ पर डीएनए डिवीजन स्क्रीनिंग टेस्ट 2021 वाली जो आंसर की है वो हम देख लेते हैं, और ये आपके आंसर की यहाँ पर आ चुकी है। और नेक्स्ट जो आपकी ये साइबर फोरेंसिक डिवीजन वाली वो भी देख लेते हैं, और ये आ चुकी है आपकी आंसर की। तो ये देख सकते हैं आप। और नेक्स्ट जो यहाँ पर आंसर की है आपकी पॉलीग्राफ वाली वो भी देख लेते हैं, और ये आपकी यहाँ पर आंसर की है। तो ये जो आपकी यहाँ पर आंसर की थी, अब हम साइट पर वापस चलते हैं। और कहाँ से आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके देख सकते हैं, तो उसके लिए आपको आना होगा कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा क्वेश्चन पेपर वाला, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद जो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आएगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जिस भी एग्ज़ाम के आप क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें आप अपना एग्ज़ाम जो वो देख सकते हैं, जो भी आपका इनमें एग्ज़ाम है। तो जो भी आपका एग्ज़ाम होगा वो आप इसमें सर्च करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जो क्वेश्चन पेपर जो हैं ये दिए गए हैं, जो भी आपका हो वो यहाँ पर आप देख लेना इसमें। तो ये तो जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है, यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। और अगर आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्शन कहाँ से कर सकते हैं, तो उसके बाद आना है आपने आरपीएससी ऑनलाइन पर, और यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपको ऑब्जेक्शन ऑनलाइन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये वाला पोर्टल आपके सामने आ जाएगा, नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको ये वाला लिंक दिखाई देगा न्यू एप्लीकेशन पोर्टल, इसके ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद ये भी आपको एक नए पेज पर लेकर आएगा, उसके बाद यहाँ पर लॉगिन कर लेना है यहाँ से रजिस्ट्रेशन वगैरह डाल के, और ये लॉगिन होने के बाद जो आप नेक्स्ट पेज पर चले जाओगे जहाँ से आप आपत्ति जाओ दर्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और आंसर की देखना चाहते हैं तो आंसर की भी देख सकते हैं। तो यही जो हाल ही में महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।